गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे इकोनॉमिक्स का सेकेंड लेसन। लेसन का नेम है आपका इकोनॉमिक प्रॉब्लम। किससे रिलेटेड है वो? इकोनॉमिक प्रॉब्लम से। इसमें हम स्टडी करेंगे इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या होती है, उसके कॉजेस क्या हैं, किस रीज़न की वजह से हमारे पास इकोनॉमिक प्रॉब्लम आती है। ओके, अब इकोनॉमिक प्रॉब्लम की स्टडी करने से पहले आपको तीन चीज़ें पता होनी चाहिए जो मैंने आपको बताई भी हुई हैं। आपके रिसोर्सेस कैसे हैं? लिमिटेड। कि आपके पास पैसा है कैसा है? एक लिमिट में है, अनलिमिटेड नहीं है, ठीक है। लेकिन जो आपकी नीड्स हैं, ज़रूरतें हैं, वो कैसी हैं? अनलिमिटेड, कोई लिमिट नहीं है। एक ज़रूरत पूरी होती है, मेरी दूसरी ज़रूरत स्टार्ट हो जाएगी, दूसरी पूरी हो गई तो फिर मुझे कुछ और चाहिए, वो पूरा हो गया तो फिर कुछ और चाहिए, मतलब अनलिमिटेड है जो कभी पूरी नहीं हो सकती, ठीक है। अब एक और चीज़ आती है ऑल्टरनेटिव यूजेस। भाई जो मेरे पास रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड तो हैं, लेकिन लिमिटेड होने के साथ साथ उनके क्या हैं? ऑल्टरनेटिव यूजेस हैं। एग्जांपल लेते हैं, जैसे आपके घर पर लाइट आती है, इलेक्ट्रिसिटी आती है ना, सबके घर में इलेक्ट्रिसिटी। अब आप उसको यूज़ किसके लिए कर सकते हो? बल्ब ऑन करने के लिए कर सकते हो, फैन ऑन करने के लिए कर सकते हो, एसी ऑन करने के लिए कर सकते हो, टीवी देखने के लिए कर सकते हो, कंप्यूटर चलाने के लिए कर सकते हो। लाइट क्या है? लिमिटेड है, बट यूजेस क्या है? अनलिमिटेड है, बहुत सारे हैं। आप जिस बहुत सारे यूजेस है ना, जैसे सिंपल एग्जांपल एक और लो इसका, आपके पास है मिल्क, ठीक है। क्या है हमारे पास? मिल्क। अब मिल्क लिमिटेड ही है ना हर किसी के घर में, अनलिमिटेड तो नहीं है। आप उसको आप ड्रिंक करने के लिए यूज़ कर सकते हो, पीने के लिए, ठीक है, चाय बनाने के लिए यूज़ कर सकते हो, टी के लिए, और क्या कर सकते हो उससे? हम मिठाई बना सकते हैं, मक्खन बना सकते हो। तो अलग अलग यूजेस हैं, लेकिन वो मिल्क क्या है? लिमिटेड है। तो रिसोर्सेज कैसे हुए हमारे पास? एक तो रिसोर्सेज क्या है? लिमिटेड है। दूसरा उनके यूज़ क्या है? बहुत सारे यूजेस हैं। क्या है उनके? वेरियस यूजेस हैं, बहुत सारे यूजेस हैं हमारे पास। तो हमारी जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम है वो यहीं पर खड़ी होती है। इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या कहती है? इट इज कंसर्न विद, किससे कंसर्न है? यूज करना स्केयर रिसोर्सेस। स्केयर रिसोर्सेस मतलब जो रिसोर्सेस कैसे हैं? लिमिटेड है, विद ऑल्टरनेटिव यूजेस। एक तो वो लिमिटेड हो गए, दूसरा उनके यूज क्या है? बहुत सारे हैं। लिमिटेड रिसोर्सेज को विद अल्टरनेटिव यूजेस के साथ इस तरीके से यूज करना है कि मुझे क्या मिले? सेटिस्फेक्शन मिले, मेरी नीड्स क्या हो जाए? सेटिस्फाई हो जाए। यही हमारे लिए सबसे बड़ी क्या है? इकोनॉमिक प्रॉब्लम। तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम में हमने तीन चीजें पढ़ी, रिसोर्सेज कैसे हैं, एक तो लिमिटेड है, दूसरा उनके अल्टरनेटिव यूजेस हैं, और जो आपकी वॉन्ट्स या नीड्स है वो क्या है? हमारी अनलिमिटेड है। नाउ अब हम पढ़ेंगे कि जो हमारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम आई उसके कॉजेस क्या हैं, रीज़न क्या है इकोनॉमिक प्रॉब्लम के, क्या क्या कारण है। तो अभी मैंने आपको बताए थे वही तीन रीज़न है। सबसे पहले क्या है? अनलिमिटेड वॉन्ट्स। हमारी वॉन्ट्स कैसी हैं? अनलिमिटेड। एक जरूरत पूरी हो गई तो दूसरी इच्छा शुरू हो जाएगी, दूसरी पूरी हो गई तो तीसरी स्टार्ट हो जाएगी। तो ये हमारा लाइफ टाइम चलता रहता है। जैसे एक बच्चा थोड़ा बड़ा होने लग जाता है तो उसको कुछ ना कुछ चाहिए, तो आप ओल्ड एज तक चले जाओ तब भी आपकी नीड्स या वॉन्ट्स जो है वो कभी खत्म नहीं होती। तो ये कैसी रहती है? अनलिमिटेड रहती है। नेक्स्ट कहता है अनलिमिटेड मतलब असीमित आवश्यकताएं। फिर सेकेंड कहता है आपके पास जो रिसोर्सेज हैं वो कैसे हैं? भाई लिमिटेड है। अब मनी है, मनी क्या है हमारी? लिमिटेड है, एक लिमिट है उसकी, उससे ज्यादा हम यूज नहीं कर सकते। तो ये क्या हो गई? लिमिटेड हो गई। आपके पास पैसा क्या है? लिमिटेड है। आपके पास घर क्या है? जमीन क्या है? लिमिटेड है। पानी कैसा है? लिमिटेड है। हर एक चीज की क्या है? लिमिट है। नेक्स्ट कहता है उसके बाद ऑल्टरनेटिव यूजेस ऑफ रिसोर्सेस। अब उसकी यूज़ क्या है? बहुत सारे हैं। जैसे आपके घर वाटर है, हम पानी कहाँ रखते हैं? टैंकी में फिल करके रखते हैं ना, लेकिन वो क्या है? लिमिटेड है। लेकिन उसके यूजेस क्या हैं? बहुत सारे हैं। आप उस वाटर को किसके लिए यूज़ कर सकते हो? कपड़े धोने के लिए यूज़ कर सकते हो, घर की सफाई के लिए यूज़ कर सकते हो, नहाने के लिए यूज़ कर सकते हो, ड्रिंक करने के लिए यूज़ कर सकते हो। तो वाटर क्या है? लिमिटेड है, लेकिन उसके यूज़ क्या है? बहुत सारे हैं। और साथ में हमारी वॉन्ट्स क्या होती हैं? अनलिमिटेड होती है। तो ये तीन मेन कॉज हैं आपके किस चीज़ के? इकोनॉमिक प्रॉब्लम के। क्या? अनलिमिटेड वॉन्ट्स, लिमिटेड रिसोर्सेज, एंड लास्ट वन इज ऑल्टरनेटिव यूजेस ऑफ वेरियस रिसोर्सेज। अभी नेक्स्ट स्लाइड, लास्ट स्लाइड में हमने पढ़ा था इकोनॉमिक प्रॉब्लम के कॉजेस की, भाई जो आपकी इकोनॉमिक प्रॉब्लम है उसके कॉज क्या है। तो वो आपने तीन पढ़े थे, लिमिटेड रिसोर्सेज, अनलिमिटेड वॉन्ट्स एंड ऑल्टरनेटिव यूजेज ऑफ वेरियस रिसोर्सेज। अब उसके बाद हमारे पास आता है सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी। एक इकोनॉमी की सेंट्रल प्रॉब्लम्स क्या होती हैं? सेंट्रल प्रॉब्लम मतलब जो पूरी इकोनॉमी पर आपकी अप्लाई हो, वो कौन कौन सी होती हैं। अब तीन तरह की हमारी सेंट्रल प्रॉब्लम्स होती हैं। फर्स्ट वन इज व्हाट टू प्रोड्यूस। फर्स्ट क्या है हमारे पास?
वट टू प्रोड्यूस, प्रोड्यूस क्या करना है, सेकेंड हाउ टू प्रोड्यूस, एंड थर्ड वन इज फॉर हुम टू प्रोड्यूस. अब देखिए वट टू प्रोड्यूस, वट टू प्रोड्यूस क्या कहता है, क्या प्रोड्यूस करना है, उत्पादन करना क्या है मुझे, क्या चीज बनानी है, ठीक है. हाउ टू प्रोड्यूस कैसे बनानी है, थर्ड कहता है फॉर हुम टू प्रोड्यूस किसके लिए बनानी है. सबसे पहले मैंने ये डिसाइड किया कि मुझे बनाना क्या है, फिर कैसे बनाना है और फिर किसके लिए बनाना है, ठीक है. वट हाउ एंड फॉर हुम, ये जो तीन है ये आपकी जो है तीनों मेन सेंट्रल प्रॉब्लम्स है इकोनॉमी की. वट टू, वट हाउ एंड लास्ट वन इज वाई. वट हाउ एंड वाई, वट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर हुम टू प्रोड्यूस, ये जो है ये हमारी क्या है तीनों मेन सेंट्रल प्रॉब्लम्स है. अब इनके अंदर होता क्या है, वट टू प्रोड्यूस में क्या आएगा, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर हुम टू प्रोड्यूस, ये हम देखेंगे. देखिए अब हमारे पास है व्हाट टू प्रोड्यूस. व्हाट टू प्रोड्यूस मतलब मुझे किस चीज का प्रोडक्शन करना है. अब प्रोडक्शन करने के लिए मुझे प्रोडक्शन तो सिंपल सी बात है आपको गुड्स या मशीन्स का ही करना होता है, लेकिन किस तरह की गुड्स का करना है, कैपिटल गुड्स का करना है या मुझे कंज्यूमर गुड्स का करना है या वॉर टाइम गुड्स का करना है या फिर पीस टाइम गुड्स का करना है. तो पहले हम दो लेंगे कैपिटल और कंज्यूमर, उसके बाद हम देखेंगे वॉर टाइम और पीस टाइम गुड्स को, ठीक है. फर्स्ट आती है आपके पास कौन सी भाई, कैपिटल गुड्स. कैपिटल गुड्स में आती है आपकी मशीन, कौन सी आती है मशीन, जो लंबे टाइम तक आपके पास चलती है, ठीक है, या फिर जो किसी दूसरे बिजनेस में यूज की जाती है किसी चीज का प्रोडक्शन करने के लिए, किसी दूसरी वस्तु का उत्पादन करने के लिए जिनका प्रयोग किया जाए वो आपकी कौन सी होती है, कैपिटल गुड्स. अब आती है कंज्यूमर गुड्स. कंज्यूमर गुड्स वो गुड्स होती है जो आप यूज करते हो और जिनको क्या कर लिया जाता है, डायरेक्टली कंज्यूम कर लिया जाता है, वो हमारी कौन सी होती है, कंज्यूमर गुड्स होती है, ठीक है. जैसे आप कोई ब्रेड का पैकेट लेके आए उसको आपने क्या कर लिया, कंज्यूम कर लिया. बिस्किट का पैकेट लेके आए उसको आपने क्या कर लिया, डायरेक्टली कंज्यूम, कंज्यूम मतलब उसको यूज कर लिया, ठीक है. उसके बाद आपके पास आती है वॉर टाइम गुड्स एंड पीस टाइम गुड्स. वॉर टाइम गुड्स जो होती है ना वो गुड्स, वॉर वॉर मतलब लड़ाई, तो वो गुड्स जो किसके टाइम यूज की जाए, लड़ाई के लिए, ठीक है. तो उसमें कौन कौन सी आती है आपके, जैसे आर्मी के लिए जो भी एम्यूनेशंस वगैरह होती है, जो भी हथियार वगैरह चाहिए, मिसाइल्स हो गई, इन चीजों का प्रोडक्शन करना है, या फिर मुझे पीस टाइम गुड्स का प्रोडक्शन करना है. पीस टाइम गुड्स में आपकी कंज्यूमर गुड्स और कैपिटल गुड्स दोनों आ जाएंगे, क्योंकि ये क्या है, जब आपकी नॉर्मल कंट्री चल रही है, कोई लड़ाई नहीं हो रही है, तो उस टाइम तो हम नॉर्मल कैपिटल गुड्स और कंज्यूमर गुड्स पे ज्यादा फोकस करते हैं, और अगर वॉर टाइम प्रोडक्शन करना है, वॉर टाइम है तो हम किसका प्रोडक्शन करें, मिसाइल्स का, एटम बॉम्ब्स का, इन चीजों पर हमारा फोकस ज्यादा होगा. तो व्हाट प्रोड्यूस में क्लियर हो गया, हमने ये देखना है कि हमें किस चीज का प्रोडक्शन करना है, कैपिटल गुड्स का, कंज्यूमर गुड्स का, वॉर टाइम गुड्स का या फिर पीस टाइम गुड्स का. इसके अंदर ये डिसीजन लिया जाता है कि इन चारों में से मुझे किसका कितना कितना प्रोडक्शन करना है और कैसे क्या प्रोडक्शन करना है, ओके. देखिए अब है हमारे पास सेकंड प्रॉब्लम. सेकंड प्रॉब्लम क्या है, हाउ टू प्रोड्यूस, कि जो मुझे प्रोडक्शन है वो कैसे करना है. तो प्रोडक्शन करने का क्वेश्चन कि कैसे करना है, तो इसका मतलब होता है टेक्निक से, कि मुझे कौन सी टेक्निक यूज करनी है, कैपिटल इंटेंसिव या लेबर इंटेंसिव, इन दोनों में से मुझे कौन सी टेक्निक का यूज करना है. कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक रिलेटेड होती है आपकी मशीन से, किससे रिलेटेड होगी, मशीन से. इसके अंदर हम किसका यूज करते हैं, मशीनों का यूज करते हैं किसी भी चीज का प्रोडक्शन करने के लिए. उसके बाद आती है आपके पास लेबर इंटेंसिव टेक्निक. लेबर इंटेंसिव टेक्निक में ज्यादा से ज्यादा किसका यूज किया जाता है, लेबर का यूज किया जाता है किसी भी चीज का प्रोडक्शन करने के लिए. अब देखो हमारे पास सामने क्या हुआ कि कैपिटल इंटेंसिव, जिस कंट्री के पास बहुत सारा पैसा है वो कैपिटल इंटेंसिव यूज कर ले, जिसके पास पॉपुलेशन ज्यादा है वो लेबर इंटेंसिव यूज कर ले, जैसे इंडिया चाइना, हम कौन सी टेक्निक ज्यादा अडॉप्ट करते हैं, लेबर इंटेंसिव. अब इसके रीजन दो हैं, एक तो पॉपुलेशन ज्यादा है तो लेबर हमें कैसा मिलता है, चीप, चीप मतलब सस्ता मिल जाता है. दूसरी चीज, जो आपकी कंट्री की एम्प्लॉयमेंट रेट है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, जो बेरोजगार लोग थे आपने उनको क्या दे दी, एम्प्लॉयमेंट दे दी. अब देखो ये जरूरी नहीं है कि अगर एक कंट्री कैपिटल इंटेंसिव यूज करती है तो वो सिर्फ कैपिटल ही यूज करेगी, वो क्या कर सकती है, दोनों का कॉम्बिनेशन, हाफ कैपिटल यूज कर ले हाफ लेबर यूज कर ले, तो ऐसा भी कर सकते हैं. हाउ टू प्रोड्यूस, जिसमें ये डिसीजन लिया जाए कि किस तरीके से कौन सी टेक्निक का यूज करके मुझे प्रोडक्शन करना है. नेक्स्ट आता है आपके पास फॉर होम टू प्रोड्यूस. होम टू प्रोड्यूस किसके लिए करना है, ठीक है. अब जो मैं प्रोडक्शन कर रही हूँ वो किसके लिए कर रही हूँ, तो दो है, जो ओल्ड टाइम था हमारा, पहले वाले लोग थे वो क्या करते थे, जितना भी प्रोडक्शन करते थे वो मार्केट में सेल नहीं करते थे, उसको इकट्ठा करके रखते थे. मान लो ये सारा इनका प्रोडक्शन है, ठीक है, तो इसको संभाल के रखते थे और उसको किसके लिए यूज करते थे, सेल्फ कंजप्शन, खुद के लिए या फिर अपनी फैमिली मेंबर्स के लिए यूज किया जाता था. सेल्फ कंजप्शन, जो प्रोडक्शन आपने किया वो सिर्फ खुद के लिए किया जाएगा या फिर फैमिली मेंबर्स के लिए, उसको आप मार्केट में सेल करने के लिए यूज नहीं करते हो, ठीक है. नेक्स्ट, अब जो
दूसरा ऑप्शन होता है कि इस बंदे ने जो भी प्रोडक्शन किया वो ये सारा इसका प्रोडक्शन, ये इसका प्रोडक्शन है, ये इसने कहाँ भेज दिया, मार्केट में भेज दिया, किसके लिए, सेल करने के लिए। तो आपके पास दो ऑप्शन होते हैं फॉर होम टू प्रोड्यूस में। आपको ये डिसाइड करना है कि जो आप प्रोडक्शन कर रहे हो वो सेल्फ कंजप्शन के लिए कर रहे हो या फिर सेल के लिए कर रहे हो। तो ये डिसाइड करना कि भाई मुझे जो प्रोडक्शन किया है वो बेचने के लिए करना है मार्केट में, उससे प्रॉफिट अर्न करना है, या फिर सिर्फ खुद की जरूरतों को पूरा करना है। तो हमारे पास तीन तरह की सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स थी, व्हाट व्हाट टू प्रोड्यूस, ठीक है, हाउ टू प्रोड्यूस, एंड लास्ट वन इज फॉर होम टू प्रोड्यूस। थैंक यू।